अगर आपके बच्चे को, अगर आपके किसी छोटे व्यक्ति को जिसकी आयु 8 साल से कम हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नजर लगी हो या कुछ भी ऐसी अव्यवस्था आपको नजर में आती हो, तो आप बैल के गोबर को इस्तेमाल कर सकते हो। बैल का गोबर घोल दीजिए पानी में, और जिस प्रकार से छौंक लगाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से मिर्च को अधिक जला करके छौंक लगाइएगा और लोटे को उल्टा रख दीजिएगा। आप देखिएगा कि वो पूरा का पूरा गीला गोबर उसके अंदर जाएगा और वो जाम हो जाएगा। एक बार उसे बंद हो जाने दीजिए। बंद हो जाने के बाद जब तक वो अपने आप से नहीं छूट जाता तब तक उसके चारपाई के नीचे या उसके बेड के नीचे या जहां वो सोता है उसके पास रख दीजिएगा। 2 से 3 दिन 4 दिन रखते हैं, कभी कभी 10-10 दिन भी लगते हैं। उसे छूटते ही उसका वो दोष समाप्त हो जाएगा। गूगल और लुबान अगर घर में निरंतर जलाया जाए तो ऐसी व्यवस्थाओं से पूरी तरह से निजात मिलती है। देवदार की लकड़ी, चीनी, देसी घी, कमलगट्टा और बेल का गूदा, ये 5 चीजों का मिश्रण करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः करके स्वाहा करने से भी ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। काला धागा कमर में, पैर में और कलाई पर बांधने से भी ऐसी व्यवस्थाएं आपसे दूर रहती हैं। शनिवार मंगलवार को बाल नहीं कटाने से भी ऐसी व्यवस्थाएं आपसे दूर रहती हैं। आपके घर में जो भी चोकर निकलता है उस चोकर को हमेशा अपने ऊपर से उतार करके अगर जलाया जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। हर रविवार मंगलवार आपके ऊपर से कच्ची लोई उतार करके गाय को खिलाया जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। नमक डाल करके पानी में थोड़ा सा अधिक मात्रा में उतार के सड़क पर डालने से भी ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं। लाल मिर्च सूखी हुई ऊपर से उतार करके धूल कहीं फूंक देने से, जला देने से ऐसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं।